हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़ आई आयम शाहवत और आज हम बात करने वाले हैं के वी एस डे टप्लस बी के लिए जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन आने वाला है हिंदी का उसके बारे में ठीक है आज से लेके हम फिफ्टीन क्वेश्चन डेली अपलोड करने वाले हैं जिसमें कि आपको एक प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी साथ के साथ कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप क्वेश्चन को कर पाने में मतलब आप एबल हैं या नहीं हैं आपको ये अपनी नॉलेज को चेक करना है इसके साथ साथ हम फाइव हंड्रेड क्वेश्चन फाइव हंड्रेड क्वेश्चन को कम्प्लीट करने वाले हैं डेली फिफ्टीन क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे जिसमें कि आपकी के वी एस और डी ट्रिपल एस बी डी ट्रिपल एस बी दोनों की जो प्रिपरेशन है वो कवर होने वाली है क्योंकि के वी एस में आपके फिफ्टीन क्वेश्चन आएंगे हिंदी के और कोई नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी नहीं होगी ठीक है लेकिन डी ट्रिपल एस बी में आपकी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें आपके ट्वेंटी क्वेश्चन आने वाले हैं तो दोनों ही हमारे लिए लैंग्वेज का पोर्शन इम्पॉर्टेंट uh, है इसके साथ साथ ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है आपके इसके मार्क्स जो हैं वो मेरिट में जुड़ने वाले हैं तो इसलिए भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो uh, आज से लेके हम 15 क्वेश्चंस डेली करने वाले हैं सो so, आपको uh, क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी हमारी क्वेश्चन uh, से रिलेटेड नई वीडियोज आएंगी या फिर अदर Uh, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोज आएंगी वो आपको ईजीली uh, आप तक पहुंच जाए ठीक है सो so, सब्सक्राइब uh, कर दीजिए आप चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की ठीक है तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें कि आपसे पूछा है उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं स्थाई भाव संचारी भाव विभाव या फिर अनुभाव यहां से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपको एक टाइमर शो कर दिया करूँगी सो so दैट क्योंकि आपको के में क्या हो रहा है आपको पूरा एक मिनट मिल रहा है एक मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए लेकिन आपको प्लस भी में ऐसा नहीं होगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम को बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मैथ्स है ठीक है मैथ्स है और रीजनिंग uh, के साथ साथ में आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपका टाइम जाएगा ठीक है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हम काफी सोच के क्वेश्चन को uh, के आंसर को टिक कर रहे होते हैं सो दैट यहाँ आपको uh, ऐसे होगा कि आपको एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट मिल रहा है लेकिन डेट पल बी में ऐसा नहीं होगा आपको वहां पर ऐसे महसूस होगा कि आपके लिए वो टाइम कम है तो आपको क्या करना है कि आपको कम टाइम में जैसे एक मिनट का ये क्वेश्चन नहीं है आपको पढ़ना है और इसका आंसर दे देना है ठीक है तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एक टाइमर शो करा के दे दूंगी अगर आप कहेंगे तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन के ऊपर वाप, वापस आते हैं जिसमें जिसमें आपको बताना है कि उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य को हम क्या कहता कहलाता है वो कहलाता है आपका विभाव ठीक है तो उत्पन्न भावों को प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं आपके विभाव इसकी नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है ठीक है थ्री एंड फोर खैर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दो में आपसे पूछा है धोखा देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है तो कौन सा है गोटी बैठाना चूना लगाना गले मरना या घास चढ़ना तो धोखा देना तो आपको भी पता है कि चूना लगाना इसका सही उत्तर क्वेश्चन है, 3 में पूछा है कि कौन सा विकल्प जल का पर्यायवाची है तो जल के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं जैसे कौन कौन से होते हैं वारी पानी इसके बाद नीर सलिल सलेल के बाद आपका तोय उदक अम्बू ठीक है जीवन जीवन के बाद आपका पै अमृत ठीक है अमृत और मेघ मेघ पुष्प मेघ पुष्प तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं अब हमें आपको यहां ध्यान देना है कि इसका जल का पर्यायवाची वाची यहां से कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं तो ये आपका यहां से निकल के आ रहा है जिसकी मैंने बात की है पै यानी कि पय जो है वो जल का पर्यायवाची है और ये अमे अम्बक और है यानी ये है होता है घोड़े के लिए ठीक है तो ये जो है जल के पर्यायवाची नहीं है सिर्फ पेय जो है वो जल का पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर चार में आपसे पूछा है कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है प्रश्नवाचक है संबंधवाचक है निश्चयवाचक है अनिश्चयवाचक है तो कुछ क्या है आपको लगता है कि यह स... प्रश्नवाचक हो सकता है क्योंकि प्रश्नवाचक में आपसे प्रश्न पूछा जाता है ठीक है संबंधवाचक में आपको किसी के साथ रिलेशन बताया हुआ होता है निश्चय में हम श्योर होते हैं श्योरिटी होती है एक डेफिनेट आपके पास आंसर होता है तो कुछ क्या है अनिश्चयवाचक यानी कि फोर्थ आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंख का पर्यायवाची नहीं है तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है लोचन आंख के लिए होता है कनक जो है ये नहीं होता ठीक है यहीं से हमें आंसर मिल गया कनक जो है सोना स्वर्ण स्वर्ण कंचन ठीक है कंचन आदि ये होते हैं कनक के यानी कि सोने का जो पर्यायवाची है वो है कनक यानी कि आंख के लिए आपको यहां पर तीन जो पर्यायवाची देखने को मिलते हैं लोचन चक्षु और दृग ठीक है तो ये नहीं है यानी कि सेकंड आपका आंसर हो जाता है ठीक है तो कनक जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है प्रश्न नंबर छह में आपसे पूछा गया है सदा प्रसन्न रहो वाक्य में क्रिया की कौन सी वृत्ति है कौन सी वृत्ति है निश्चय सूचक है इच्छा सूचक है संकेत सूचक है या फिर आज्ञा पूरक है तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो है आपका इच्छा सूचक ठीक है इच्छा सूचक जो है वो आपकी क्रिया में वृत्ति है यानी कि सदा प्रसन्न रहो इस वाक्य में क्रिया की कौन सी वृत्ति आएगी इच्छा सूचक वृत्ति क्वेश्चन नंबर सात में पूछा है सुनहरा किस शब्द का विशेषण है तो आपको बताना है परिमाण बोधक गुणवाचक सार्वनामिक या फिर संख्यावाचक तो यहां से आएगा सुनहरा जो है वो गुणवाचक विशेषण है प्रश्न नंबर आठ में आपसे पूछा गया है तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है यानी कि आपको गलती निकालनी है इस वाक्य में कि क्या है गलती वो तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता नहीं तुम्हारे से हो सकता यह काम तो यहां से आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि जो ऑप्शन नंबर टू है वो इसका राइट आंसर है तुम्हारे से यह काम नहीं हो सकता तो एकदम सही है तुम्हारे से क्या है यहाँ पे त्रुटि है प्रश्न नंबर नौ में बात की गई है कि अधिकांश लोगों का ऐसा मानना है रेखांकित अंश को किस शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सकता है अच्छा इसमें आपको रेखांकित जो शब्द है वो अंश नहीं दिख रहा है तो यहाँ इसका रेखांकित जो अंश है वो है अधिकांश तो अधिकांश को आपको आप किस शब्द से प्रतिस्थापित कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से अधिक अधिकतर अधिकतम या सर्वाधिक अधिकतर इसका सही उत्तर होगा ठीक है अधिकतर यानी कि अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म फल पर उपदेश दिया इस वाक्य के अंश में कौन सी त्रुटि है ठीक है इस वाक्य के अंश में कौन सी त्रुटि है अर्जुन को उपदेश दिया कर्म फल पर या फिर योगी श्री कृष्ण ने योगीराज श्री कृष्ण ने यहां आपको इसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि जो इसकी जो त्रुटि है वो है योगी राज श्री कृष्ण ने ठीक है तो आपको यहां ये वाले आपको आंसर को करना है योगी राज श्री कृष्ण ने इसका सही आंसर है जिसमें त्रुटि है क्वेश्चन नंबर ग्यारह में आपसे पूछा है बेमेल चीजों का मिश्रण अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है यहां से आपको लोकोक्ति का आंसर बताना है कि यह कौन सी लोकोक्ति है इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा ऑप्शन देखते हैं आंख एक नहीं दस, दस आधा तीर आधा बटेर अंधे के हाथ बटेर या थोता चना बाजे घना ठीक है तो कौन सा होगा यहां से आपका आंसर सेकंड वाला आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल चीजों का मिश्रण इसके लिए आपका कौन सा आंसर आएगा सेकंड वाला आधा तीतर, आधा तीतर बटेर ये वाली लोकोक्ति इस पर सही है क्वेश्चन नंबर बारह में आपसे पूछा है भानुदय का सही संधि विच्छेद या फिर संधि रूप क्या हो सकता है यानी कि इसको मिला के पूरा क्या बनेगा तो भानुदय भानुदय भानोदय या भान्योदय यहां से आपका आंसर निकल के आ गया कौन सा फर्स्ट वाला भानुदय यानी कि उ और ठीक उ, है तो क्या हुआ ये आपका ठीक है प्रश्न नंबर तेरह में बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जाति वाचक संज्ञा है पंजाब गोदावरी चाल या फिर घर तो यहां से जाति संज्ञा कौन सा है घर ठीक है चाल गोदावरी और पंजाब नहीं है जातिवाचक संज्ञा में आपका आएगा घर आगे चलते हैं शयन का सही संधि विच्छेद क्या है शय अन, शो, अन, शो अन या शयन ठीक है यहां से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही संधि विच्छेद है तो शे अन ये वाला ठीक है आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर पंद्रह में आपसे पूछा गया है दुस् दु तर दु जमा तर का सही संधि रूप क्या है दुर्तर दुस्तर या ठीक है तो अब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड दुस्तर तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है अब आने वाली वीडियो में हम 15 15 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स आपके साथ में साझा करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को सो so दैट जो हम आगे आने वाली वीडियोज होंगी वो भी आपको आपके पास इजिली पहुंच जाएंगी और साथ के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहिए कि आपने जो अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं हिंदी के वो आपके उनके बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं है अगर नहीं है जिस भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है आप उस टॉपिक को वापस से पढ़िए और आप उस फिर उसके क्वेश्चंस लगाइए मेरी माने तो आपको ना मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने चाहिए सो so दैट आपको ये पता रहेगा कि आपके फिफ्टीन में से कितना स्कोर हो रहा है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं फिफ्टीन क्वेश्चन में से क्योंकि यहाँ तो के की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी लेकिन डेटा प्लस भी मैं आपको ये ध्यान दे के क्वेश्चन को आ, का आंसर करना है ठीक कि हाँ आपके जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं उसमें अगर आप गलत करते हैं तो आपका जो मार्क है वो कट हो जाएगा पॉइंट टू फाइव ठीक है इसलिए आप अपनी तैयारी को जांचते रहिए और डेली फिफ्टीन क्वेश्चन को करने के लिए रेडी रहिए सो स्टेट फॉर मोर वीडियोज थैंक यू